बनाने वाली है महाराष्ट्रियन खिचड़ी। यहाँ पर मैंने लिया है आधे से कम कटोरी मूंगफली। यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिए हैं, ये दो आलू लिए हैं मैंने। यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक को दरदरे में कूट लिया है। यहाँ पर मैंने तेज पत्ता लिया है, दो छोटी इलायची ली है और दो बड़ी इलायची ली है, और ये एक चम्मच हमने जीरा लिया है, और यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुकर गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर मैंने 5 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम तेज पत्ता डाल देंगे। तेज पत्ता डालने के बाद हम इसके जो प्याज हमने प्याज काटे थे वो डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा पकने देंगे थोड़ी देर तक। और अब हम इसमें अदरक लहसुन की जो हमने दरदरे में कूट लिया था वो डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली डालने के बाद ही हमें सब मिक्स करनी है। अब हम इसमें दालचीनी डालेंगे और इलायची, दोनों इलायची हम डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। ये सब इतने इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमें इसे थोड़ा पकने देना है। अब हम इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे जिससे कि हमारी जो अदरक लहसुन जो हमने दरदरे में कूट लिया था वो हमारा जो कुकर को ना चिपके इसलिए। अब हम इसमें आलू, कटे हुए हमारे आलू डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है 5 मिनट तक।
अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। और हम इसमें 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप कम तीखा खाते हो तो आप मिर्ची कम भी डाल सकते हो 2 चम्मच के बजाय। अगर आप कम खाते हो तो आप 1 चम्मच मिर्ची डाल सकते हो। अब हम इसमें घर का बना हुआ मसाला 1 बड़ा चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास ये मसाला ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे जिससे कि हमारा मसाला का स्वाद है वो अच्छे से हमारी खिचड़ी में आ जाए। और इसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करते रहेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर ऐसे तेल दिख रहा है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि पानी की क्वांटिटी कितनी है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस ये लाइन, इतना हमारा पानी, मतलब इतना हमारा टोटल पानी और चावल है। तो हमें चावल और पानी हाफ हाफ चाहिए। तो हम ऐसे पहले पानी को हिलाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि हमारा पानी हमने ठीक से डाला है या नहीं, हाफ हाफ आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर इतना हमारा पानी और उससे नीचे हमारा चावल है। तो ये एकदम करेक्ट है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। जिस घी डालने से हमारे खिचड़ी का स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे।
ढक्कन लगाने के बाद जब हमारी खिचड़ी की 3 सीटियां बजेगी तब हमें गैस को ऑफ कर देना। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब 10 मिनट इसने रेस्ट कर लिया, अब हम इसे खोले कुकर को खोलेंगे। और हमारी खिचड़ी जो है वो बनके तैयार हो गई है। तो आप जैसे कि देख सकते हो तैयार हो गई। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो हमारी खिचड़ी जो है वो रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल पे नए नए वीडियोस चाहिए होंगे